वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी यूपी टैट 2018 के लिए एसएसटी ईवीएस मैथ्स के कोर्सेज पब्लिश कर दिए गए हैं अकेडमी लर्निंग ऐप पर। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, जहां आपको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा सभी कोर्सेज का, वो भी फ्री में। ठीक है, तो इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं जो कि यूपी टैट के लिए बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। यूपी टैट 2018 का फॉर्म फिल करते हुए खासा परेशानी उठानी पड़ रही है आपको, और लगभग पाँच से छः दिन हो गए हैं अभी तक वेबसाइट जो है ओपन ही नहीं हो पा रही, सर्वर डाउन हो गया है। और डाउन होने की वजह ये है, नंबर ऑफ़ विजिटर्स और नंबर ऑफ़ यूज़र्स वेबसाइट पर एक साथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से वेबसाइट नहीं हो पा रही है, ओपन नहीं हो पा रही है। और सचिव ने कहा है कि इसका मेंटेनेंस हो जाएगा आज शुक्रवार फ्राइडे को, और ये आज से ही वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। आप जो है अपना जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है और फी सबमिट कर दी है और उनकी रिसिप्ट नहीं मिली है, उनके लिए भी न्यूज़ है इसकी इसमें। ठीक है, उनको क्या करना है, तो दो से तीन बार भी फी सबमिट कर चुके हैं बट कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, फॉर्म प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हैं आप लोग आगे। ठीक है, तो इसी न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 4 अक्टूबर तक ही आवेदन होंगे, ना कोई डेट एक्सटेंड हुई है। वोटर आईडी के अलावा बस वो 3 आईडी जो पहले से ही थी उन्हीं को अलाउ किया गया है, आधार कार्ड वालों को अलाउ नहीं किया गया है बिल्कुल भी। अगर आधार कार्ड वाले भी अलाउ हो जाते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही, और बट पता नहीं क्यों नहीं किया गया है। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में बीएड के लिए मान्य कर दिया गया है बीएड वालों को, और टीईटी में आवेदकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है इस बार। तकरीबन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 15 लाख आवेदन आने के चांसेस हैं यूपी टैट के लिए, और करीब अभी 5.5 लाख जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं और 3 लाख कम्प्लीट फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इस सप्ताह का समय अभी और बाकी है, जो बचे हुए एस्पिरेंट्स हैं वो अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं आज ही से, और आवेदन 4 अक्टूबर तक लिए जाएंगे शुक्रवार से एनआईसी पर। ये तो देखिए यहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ देखिए, तो ये सचिव चतुर्वेदी ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का पैसा खाते से कट गया है उन्हें रसीद मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी या फिर किसी दुष्प्रचार का वो शिकार ना हो। ठीक है, तो जिनकी फ़ीस सबमिट हुई है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, रिसिप्ट भी नहीं मिली है, उनको प्रोसीड भी नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से, तो उनको ये रिसिप्ट मिलेगी। उनके खाते से परीक्षा शुल्क का धन कट रहा है लेकिन रसीद नहीं मिल रही है, इससे आवेदन पूरा नहीं हो पा रहा है, और कई बार शिकायत की गई तो परीक्षा नियामक सचिव हैं, इन्होंने कहा है कि एनआईसी से वार्ता की है इन्होंने, और आश्वस्त किया है कि जल्द व्यवस्था ठीक होगी। और फिर लेकिन क्या हो रहा है, अभी भी जो है प्रॉब्लम सेम अभी एज इट इज़ है, बल्कि प्रदेश भर से अब बहु आयात में शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। देखिए, वो तो बात दिक्कत सही है, सबको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बस जिन लोगों ने शुरुआत में फॉर्म फिल कर दी थी जब तक वोटर आईडी को अलाउ नहीं किया गया था तब तक तो स्मूथ चल रही थी वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद से ही जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो गए तो इनका सर्वर जो है ख़त्म हो गया एक तरीके से। ठीक, तो सर्वर की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्रकरण शासन जो है शासन तक पहुँचने पर अपर सचिव ने कहा है कि एनआईसी और परीक्षा नियामक इन्होंने बैठक की है, कितने लंबे नाम दे रखे हैं लोगों ने, इसमें सामने आया है कि बड़ी संख्या में आवेदन होने की सर्वर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर्वर की क्षमता कम है। तो अपर मुख्य सचिव ने इस पर नाराज़गी जताते हुए एनआईसी से तत्काल सर्वर की क्षमता बढ़ाकर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ठीक है, तो फिक्र मत करिए, ये हो जाएगा आपके लिए, और हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए इसकी मे बी। ठीक है, तो टीईटी में इस बार परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए स्टेट बैंक की जगह एचडीएफसी बैंक को रखा गया है, तो इसमें भी लिमिटेशन से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं आपको, तो वेट कर लीजिए, आज हो सकता है कि आप फिर से इसको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कर पाएं, और तैयारी अपनी जारी रखिए। और हमारा वीडियो लेसन जो मैथ्स का है अपने प्रीवियस ईयर के 2 वीडियोस आ जाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा, रिस्पॉन्स अच्छा रखिएगा अपना। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे, अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा जिस तरह से पहले वीडियोज़ पर हैं उसी तरह से रहा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में हम 3 वीडियोज़ भी ले सकते हैं, वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोज़ को तो हम आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।